हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जो है थंबनेल में देख चुके हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा आज पूरे न्यूज़पेपर में छाया रहा। तो न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह जो है कई न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, और पूरी संभावनाएँ हैं कि 2 अक्टूबर छुट्टी और उसके बाद से जस्ट दशहरा की छुट्टी, यानी इन सबसे पहले जो है अपने केस का जो है आर्डर रिजर्व होने की पूरी संभावना है, यानी कि 3 से 4 डेट में ही जो है आर्डर रिजर्व होने की पूरी संभावना है। और जैसे ही जो है दशहरा ख़त्म होगा उसके बाद से जो है इसका फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है इस भर्ती को जल्द पूर्ण करने के मूड में है, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं न्यूज़पेपर की। 69,000 शिक्षक भर्ती केस की सुनवाई शुरू। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को शुरू कर दी। अगली सुनवाई 26 सितंबर को है। याचिकाओं में एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखने के निर्देश दिए थे। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ के समक्ष जो राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह व अभ्यर्थियों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद सरकार ने इसमें सामान्य वर्ग के लिए 65% और जो है आरक्षित वर्ग के लिए 60% अर्हता अंक तय किए थे। इसके खिलाफ एकल पीठ में दायर याचिकाओं पर यह फैसला आया था कि जो है 40-45 पे किया जाए, लेकिन जो है सरकार ने जो है उसके खिलाफ कोर्ट में जो है याचिका दायर किया कि जो है 60-65 के पक्ष में सरकार खड़ी है। और उसी पे जो है एजी साहब ने कल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा हुआ है, जिससे 60-65 के जीतने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हर पेपर में आज जो है छपी हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कि हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, और यहाँ भी वही सब लिखे हुए हैं कि कल जो सुनवाई हुई थी किसके विरुद्ध हुआ था, कौन मतलब किसने अपने पक्ष रखे थे किसके लिए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 26 को, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में राज्य सरकार की व कई विशेष अपीलों पर अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। मंगलवार को मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने पक्ष रखा, जिसके बाद न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि तय की है। उल्लेखनीय है कि विशेष अपीलों में एक पीठ द्वारा 30 मार्च 2019 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कोर्ट ने सरकार के 7 जनवरी 2019 का शासनादेश को रद्द कर दिया था। सरकार को आदेश दिया था कि 1 दिसंबर तथा 5 दिसंबर 2018 को इस परीक्षा को कराने वाली संबंधी जारी शासनादेश का अनुपालन करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के अनुसार मेरिट बनाकर परिणाम घोषित किया जाए। तो कई पेपर में थे और भी पेपर में हैं, तो उनको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपका समय जो है ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और जल्द से जल्द। और मैं कल देख रहा था तो न्यूज़ जी न्यूज़ जो चैनल है उसकी कोई ऐप है जो न्यूज़ प्रोवाइड करती है, तो उस ऐप में भी लिखा था कि 8 अक्टूबर तक इसका फैसला आ सकता है। उन्होंने मतलब इतनी संभावना जताई कि 8 अक्टूबर तक जो है इसका फैसला आ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, और इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।